अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? आज हम आपके साथ शेयर करें पाए बनाना, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आज हम जो है वो घर के मसालों से जो है पाए बनाएंगे, जो हर कोई घर में इजीली बना सकता है। और आज हम ढाबा स्टाइल पाए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप जो है वो ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज के हमने ऑनियन कट किए हुए लिए हैं। हमने प्याज को जो है वो डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने बस इसे मरमरा सा कर लेना है। भिंडी को जो है वो ग्राइंड करके मॉल के अंदर फ्रीज कर दिया था। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अब हम इसे। अब प्याज और गार्लिक का कलर जो है वो क्रीमी सा हो गया है, तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर को जो है वो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून नमक के ऐड करेंगे। नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। 1 चुटकी जो है हम कलौंजी ऐड करेंगे। हम अपने हर खाने में कलौंजी ऐड करते हैं क्योंकि इसके अंदर मौत के अलावा हर एक बीमारी का इलाज है। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ग्रीन वाली, ये छोटी हैं और ये बहुत ही तेज होती हैं। 2 इंच की टुकड़ी जो है वो हम दालचीनी की ऐड करेंगे। अब हम इन सब मसालों को जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम इसके अंदर मटन पाई ऐड करेंगे, 10 पीसेस हैं। इसके अंदर 1 कप जो है वो योगर्ट ऐड करेंगे, दही। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे हम अच्छे से। तो अब हमने पायों को जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर 12 गिलास पानी के ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो होममेड गरम मसाले का ऐड करेंगे। अब हम पायों को प्रेशर कुकर दे देंगे 30 मिनट के लिए। हमने पायों को 30 मिनट प्रेशर कुकर दिया था, तो अब हमारे पाए अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा धनिया ऐड करेंगे। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम पायों को डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे आप लास्ट में कमेंट बताना कि आपको मेरी आज की पाई की रेसिपी कैसी लगी। और मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन बनाया है, मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको गुलाब जामुन की रेसिपी जरूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।